अस्सलाम वालेकुम, रमेश ऑफिशियल पर खुश आमदीद है। जब बात करेंगे रंग महल के एपिसोड नंबर 16 के प्रोमो के बारे में। आज के एपिसोड में आप लोगों ने देखा वहाँ पर काफ़ी खुश होती है, वहीं पे दूसरी तरफ जब वो नेकलेस उसको काफ़ी पसंद आता है तो वहाँ पे जो है सुहेलू से कहता है कि ये जो है बहुत अच्छा है, तुम्हें काफ़ी पसंद है, और वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं दिया। और जो है रायद वो भी इस बात से काफ़ी खुश होता है कि जो है नेकलेस बहुत प्यारा है। और जो है डिनर पर जाते हैं सुहेल और हाजरा, तो इस बात पर हाजरा काफ़ी खुश होती है और वो कहती है कि हाँ उसने जो है उसको आपकी इज्जत ख्याल नहीं, ये वो उसको काफ़ी बातें सुनाती है। वहीं पे महापारा जो है वो काफ़ी जो है हो जाती है, खुश होती है, और रायद उसका काफ़ी ख्याल रखता है, उसे पढ़ाता है। और दूसरी तरफ आसमा उसे कहती है कि हाँ जो है इसी बहाने तुम जो है पोजीशन तो ले लोगी। सुहेल जो है वो उसके लिए महापारा के लिए वैसा ही नेकलेस ख़रीदता है, और दूसरी तरफ हाजरा जो है नेकलेस को छुपा के हर तरफ जो है नेकलेस ढूंढती है और महापारा पर इल्ज़ाम लगाती है। और जो शैला है वो भी यही बात पूछती है, और वहीं पर सुहेल जो है अपनी गाड़ी से वही नेकलेस ला कर देता है कि ये जो है तुमने छुपा दिए, वहीं पे रख दिए थे। वहीं फाजिल जो है इस बात पे शैला और फाजिल काफ़ी नाराज़ होते हैं। और दूसरी तरफ जो है शैला हाजा जो है वो कहती है नेकलेस तो मैंने जहाँ छुपाया था वहीं है, लेकिन ये उसके पास कैसे आया। वहीं पे शैला उसे बताती है कि आसमा की माँ ने आमना ने दिया था नेकलेस रिक्शे के लिए। और सुहेल राय जो है वो काफ़ी कहता है कि मैं जो है तो उसके लिए गिफ्ट लेके आता है। और सुहेल ये देख के कहता है कि चलो तुमने चोरी की, लेकिन जो है गिफ्ट अपनी जगह सही जगह पहुँच गया। वहीं अगले एपिसोड में देखेंगे राय जो है वो खुद लेने के लिए जाता है महापारा को, और जब जो है उसको आइसक्रीम भी खिलाता है। और वहीं पे वो जो है हाजा को कहता है कि तुम जो है क्यों इस तरह से कर रही हो, और जो है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम महापारा के बारे में कुछ नहीं करोगी वरना हमारे में रिश्ते में जो है दरार आ जाएगी। वहीं महापारा जो है फ़ोन पे कहती है रायद को कि मैं जो है आपके लिए बर्बाद भी हो सकती हूँ, और वो कहता है कि ठीक है मैं अम्मी को जाने से पहले से बता दूंगा अपनी पसंद। और जो है जब घर आते हैं तो सब पूछते हैं, तो सुहेल सबके सामने झूठ बोलता है कि महापारा ने मुझे कहा था कि हम डिनर पर चलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और वहीं पर रायद और हाजरा इनके मुँह की तरफ देखते हैं। आने वाले एपिसोड में देखना यह है कि कहानी क्या मोड़ लेगी। आप अपनी रिकमेंड के जरिए दीजिए।